गाड़ी का लेबर कॉस्ट बिल्कुल फ्री है, मतलब ये बाइक से भी सस्ता है। आप बाइक में महीने का 1000 रुपया 1500 रुपए का सर्विस कराते हो, इसमें आपको 1000 1500 रुपए का सर्विस भी नहीं कराना है। और जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो चेकअप कराने हैं, तो वहां पे आपका ये बहुत सारा टेस्ट होता है, तो सेम टू सेम चीज यहाँ भी आपको डिजिटल टेस्ट होगा। डिजिटल टेस्ट बोलने का सेंस ये, अब्दुल भाई बताइए कैसा टेस्ट करते हैं आप गाड़ी को? हाइड्रोमीटर के जरिए से आप इसका बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर है कि नहीं वो चेक करेंगे। सो गाइस कैसे हो आप सब लोग, आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई अभी आप देखोगे कि मैं आ गया हूँ झारखंड जमशेदपुर के मिथिला मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में, जहाँ पे आप देखोगे कि इस ईवी का सर्विस दिखाऊंगा मैं आपको आज के इस वीडियो में। अभी तक आप देखोगे कि हमारे झारखंड में लगभग 1 से 2 डीलरशिप है जहाँ पे प्रॉपर एस ईवी का सर्विस होता है, अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रॉपर सर्विस होता है। तो आप सबसे पहले तो एंट्री करोगे तो आप यहीं पे देख लोगे पूरा का पूरा एस ईवी बे लगा हुआ है। आइए आप अंदर आइए, अंदर आने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 तरीके का वे है, आप एक बार में एस ईवी की अगर बात करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, तो अब डीलरशिप वाले भी एकदम एक प्राइवेट अपना सारा चीज कर ले रहे हैं। बात करें स्पेयर पार्ट्स की, तो स्पेयर पार्ट्स भी आप देखोगे पूरा का पूरा स्पेयर पार्ट्स का एकदम प्राइवेट रहता है। एस ईवी को कहीं भी दूसरे गाड़ियों से मर्ज नहीं किया जाता, बिल्कुल इनका सारा टूल्स किट्स जितना भी होता है वो सारा सेपरेट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 वे है, गाड़ी को कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया है, और अभी यहाँ के सर्विस इंजीनियर को बुलाएंगे और जानेंगे कि एस ईवी में बेसिकली क्या क्या सर्विस करते हैं। वैसे तो कोई खास सर्विसेज का होता नहीं है, बट क्या क्या सर्विस करते हैं, व्हीकल चेकअप कैसे करते हैं, कितना खर्चा आता है, सारा कुछ आपको मैं इसका सर्विस का एक्सपीरियंस बताने वाले हूँ। यानी आप भी अगर टाटा एस ईवी को या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदना चाहते हो और आपके दिमाग में एक संकोच आता है कि भाई एस ईवी को मैं सर्विस कराऊंगा तो कितना रुपया खर्चा होगा, जनरली क्या क्या सर्विस होगा, आज का ये वीडियो आप देखिएगा, सारा चीज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये एस ईवी का सर्विस करते हैं, शोरूम में डीलरशिप के पास क्या क्या फैसिलिटी है एस ईवी का, कितना अलग उन्होंने बनाया है, कौन कौन सा पार्ट्स लगता है इसमें, और क्या कुछ चेकअप होता है, सारा कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इनके पास किट कौन कौन सा है। तो ये देखो यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे आप ये देखोगे तो इनके पास अपना ट्रॉली है, ठीक है। ट्रॉली के बाद ये देखो इनका टूल किट है, टूल किट मैं आपको एक बार यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो प्रॉपर जो एस ईवी का इनका टूल किट है वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इनका टूल किट देखने को मिलेगा, आप यहाँ से देख सकते हो। ये देख लो कुछ इस तरीके का प्रॉपर इसका सारा सेटअप मिलता है, इसमें कहीं भी डीजल और पेट्रोल इसको मिक्स नहीं करते हैं, ये ईवी के लिए प्रॉपर बनाया गया है। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये देखो कूलेंट गन मिलता है। कूलेंट गन जैसे कि अगर कोई भी यहाँ पे आप देखोगे कि पाइप वाइप जो है वो लीक कर गया, कहीं से टूट गया, तो उसको कूलेंट को लाते हैं, स्टोर करते हैं और फिर उसको ठीक करने के बाद दोबारा से इसमें डालते हैं। तो ये सारा चीज इक्विपमेंट है, और इसके बाद अभी सर्विस इंजीनियर से जानते हैं कैसे सर्विस करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, आपको सारा कुछ इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो सर आप ये बताइए कि जो एस ईवी है इसमें आप क्या क्या सर्विस में करते हैं? सर्विस होने लायक तो कुछ ऐसा चीज नहीं, हम लोग ऐसे ही जनरल चेकअप करते हैं। जनरल चेकअप जैसे कि पहले गाड़ी आता है तो लैपटॉप लगा के हम लोग चेक करते हैं कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है, ब्रेक चेक करते हैं, ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सस्पेंशन चेक करते हैं, बैटरी हम लोग चेक करते हैं कि उसका डिस्टिल वाटर कम नहीं, बैटरी में डिस्टिल वाटर कम है या नहीं है वो चेक करते हैं, और लाइट वगैरह वगैरह चेक करते हैं। अच्छा अच्छा, और ये जो कूलेंट वाला देख रहे हैं हम, तो इसका कब यूज करते हैं आप? इसका जब जैसे कि गाड़ी से कूलेंट या कुछ लीकेज हुआ तो हम लोग इसका जरिए से हम लोग प्रॉपर कूलेंट को निकाल कर इसमें स्टोर करते हैं, उसके बाद इसका चेकअप करते हैं, चेकअप उकअप करके और जहाँ से लीकेज रहा वो पार्ट को चेंज करके फिर उसके बाद इसी गाड़ी का कूलेंट को हम लोग। तो चलिए आज हमारे सामने ये गाड़ी का प्रॉपर सर्विस होगा, प्रॉपर चेकअप होगा, और आपको मैं 1 by 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ, है ना जी। तो आप लग जाइए अपने कामों में जी। भाई आप कहोगे अभिषेक भाई ये क्यों पहन लिया, तो ये अपने सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं गाड़ी के एकदम नीचे हूँ, तो सेफ्टी के पर्पज से बहुत जरूरी है, और भाई ने भी पूरा सेफ्टी का एकदम सारा कुछ पहन लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम इसका करते हैं, गाड़ी को रैंप के ऊपर उठाएं, उठाने के बाद इसका चेक कर रहे हैं हम लोग सस्पेंशन। ये देखो यहाँ पे आप फ्रंट में देखोगे 2 लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन है, और सस्पेंशन का लूज है कि नहीं, इसके चलते ये जो पूरा नट बोल्ट वाला जो सिस्टम है ना वो पूरा का पूरा इसमें भाई टेस्ट कर रहे हैं कि इसका सस्पेंशन कहीं से कोई थोड़ा सा मतलब नट वोट सारे टाइट है कि नहीं, वो एक इसका नॉर्मल चेकअप, फर्स्ट ये चेकअप हो गया। तो ये बताइए गाड़ी तो हम लोग उठाकर आप सबसे पहला चीज सस्पेंशन टेस्ट किए, अब गाड़ी को डाउन करते हैं, डाउन करने के बाद आप कौन कौन सा टेस्ट करेंगे?
पहले बैटरी के चेकअप करेंगे हाँ कि हाँ डिस्टिल वाटर कम है या हाँ नहीं है, ठीक है वो हो जाएगा तो फिर लाइट वगैरह हम चेक करेंगे, हाँ फिर हाँ उसका बाद गाड़ी लैपटॉप से पूरा का पूरा लैपटॉप से पूरा चेक करके सिस्टम चेक कर लेंगे। सिस्टम चेक करके ओके करके गाड़ी रिलीज कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि टाटा मोटर्स के जैसे ही आप सर्विस सेंटर पे आते हो तो टाटा पावर ईजेड चार्जर आपको यहाँ पे एक ऐसा फास्ट चार्जर मिलता है जो कि पूरे के पूरा 2 घंटे में आपकी गाड़ी को फुल चार्ज करता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको 440 वोल्ट का आपको यहाँ पर चार्जर मिलता है जो कि आपको डबल फेज से कनेक्टेड रहता है, और यहाँ पर 25 एम्पियर का आपको एक सॉकेट मिल जाता है जो कि आप इजिली कहीं भी सॉकेट से लगाकर गाड़ी में डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हो और आपका गाड़ी यहाँ से इजिली चार्ज होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में फास्ट चार्जर में ये चार्ज हो जाता है। तो हमारे अब्दुल भाई जो है वो सेकेंड प्रोसेस करने जा रहे हैं, गाड़ी का पूरा चेकअप करेंगे। और जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो चेकअप कराने तो वहाँ पे आपका ये बहुत सारा टेस्ट होता है, तो सेम टू सेम चीज यहाँ भी आपको डिजिटल टेस्ट होगा। डिजिटल टेस्ट बोलने का सेंस ये, अब्दुल भाई बताइए क्या सा टेस्ट करते हैं आप गाड़ी को? लैपटॉप को पहले कनेक्ट करेंगे, हाँ हाँ TDS टूल से, हमारा टाटा मोटर्स का सॉफ्टवेयर है। अच्छा अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ना इससे कनेक्ट किए ना, जी यहाँ पे एडाप्टर भी दिया हुआ है इसका। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं देखिए एडाप्टर है, यहाँ पे हम अपना ये एडाप्टर को लगाए, हाँ ठीक है, एडाप्टर को यहाँ पे लगाए कनेक्ट करके, हाँ हाँ, फिर हम अपना सॉफ्टवेयर जो TDS लाइट करके है, TDS, हाँ हाँ, वो हम TDS है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, हाँ हाँ, सेलेक्ट करके हम अपना जो भी गाड़ी का है उसका डिटेल को हम सिलेक्ट करके, हाँ, फिर हम अपना चेकअप जारी करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप चेकअप जारी करते जी हैं। तो अभी इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है क्या, दिख रहा है कुछ? अभी कनेक्ट करने का बाद पता चलेगा कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा फुल। अच्छा, वो कनेक्ट करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए आप कनेक्ट करिए जी। हमने कनेक्ट कर लिया है इसको, इसमें चेक किया गया तो इसमें कोई फॉल्ट कोड नहीं है। कोई फॉल्ट नहीं है? कोई फॉल्ट नहीं। देयर इज नो कंफर्म DTC जी। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें पता चला कि गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं, फॉल्ट नहीं है। अच्छा, मतलब टेक्निकल जो फॉल्टे होती हैं वो कोई भी फॉल्ट नहीं है। नहीं है। तो अभी तक हमने 2 प्रोसेस किया इस गाड़ी में। सबसे पहला तो हमने इसका सस्पेंशन टेस्ट कर लिया, दूसरा चीज गाड़ी का प्रॉपर चेकअप कर लिए। अब चलिए, अब इसका हम लोग फिलहाल बैटरी निकालकर जो आप इसका डिस्टिल्ड वाटर चेक करते हैं ना वो दिखा। हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर, हाँ हाँ, बैटरी चेक। अच्छा, बैटरी चेक करने के लिए ये पूरा का पूरा टूल किट है? जी जी। अच्छा अच्छा, किस तरीके का टूल किट है भाई? जी देखिए ये, ओ भाई, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे टूल किट मिलता है जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे इनका बैटरी चेकअप करेंगे ना। हाँ, तो एक बार आप चलिए बैटरी चेक करके दिखाइए। अच्छा, बैटरी चेक करके क्या आप देखते हैं, नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर है या नहीं? जी, बस वही चीज देखते हैं। लोग अभी बैटरी खोल चुके हैं, अभी इसका डिस्टिल वाटर चेक करते हैं इस हाइड्रोमीटर के जरिए से। क्या है वो? हाइड्रोमीटर। अच्छा, ये हाइड्रोमीटर है जी। हाइड्रोमीटर के जरिए से आप इसका बैटरी में डिस्टिल वाटर है कि नहीं वो चेक करेंगे जी। ठीक है, आप करिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैटरी में हाइड्रोमीटर के जरिए ये यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर इसका चेक कर सकते हैं कि इसमें डिस्टिल्ड वाटर कितना है। अच्छा, इससे ये पॉइंट बताता है क्या? जी जी। अच्छा, ये 11, 12, 13 जो पॉइंट है वो बताता है ना जी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे 11, 12, 13 दिख रहा होगा। इससे पूरा का पूरा पता चलता है कि बैटरी में हमारा डिस्टिल्ड वाटर कितना है, यह है ना। तो अभी इसमें सफिशियंट है जी? जी, जितना होना चाहिए था उतना है जी। जी, अच्छा कितना होना चाहिए था इसमें? इसमें 250। अच्छा, 250 ml। जी जी, ml ना जी जी, 250 ml इसमें होना चाहिए था जो कि है, सफिशियंट है जी। चलिए ठीक है। तो गाइस आपने यहाँ पे देखा टाटा SEV का पूरा मैं सर्विस आपका दिखाया, किस तरीके का यहाँ पे सर्विस होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ ना कि आपका जो सर्विस का गैपिंग है वो कैसे कैसे करा है और कितने किलोमीटर पे करा है और कितने टाइमिंग पे करा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से नोट्स करा लियो भाई, 2 महीने के अंदर आपको फर्स्ट सर्विस कराना है या फिर 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर आप ये गाड़ी को चला लो, या फिर 2 महीने के अंदर आप इसका फर्स्ट सर्विस करा सकते हो। सेकेंड सर्विस की बात करें तो 6 मंथ में करा सकते हो, वो भी 10,000 किलोमीटर चलने के बाद। और थर्ड सर्विस की बात करें तो आप 1 ईयर के बाद सर्विस करा सकते हो और वो कम से कम 20,000 किलोमीटर चलना चाहिए। गाड़ी का लेबर कॉस्ट बिल्कुल फ्री है, थोड़ा मोड़ा एक्सेसरीज में या फिर जो भी कुछ आपका पार्ट चेंज होगा उसमें पैसा लगेगा, या फिर बात करें बैटरी में डिस्टिल वाटर चेंज होगा तो उसका पैसा लगेगा। मतलब अगर सर्विस कॉस्ट की बात करें तो भाई मैं मतलब ये बाइक से भी सस्ता है। आप बाइक में महीने का 1,000 रुपया 1,500 रुपये का सर्विस कराते हो, इसमें आपको 1,000-1,500 रुपये का सर्विस भी नहीं कराना है। आप महीने में पेट्रोल डालते हो 3,000-4,000 रुपये का, ठीक है, इसमें आपको 3,000-4,000 रुपये का पेट्रोल भी नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 यूनिट में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। तो ये सारा चीज है जो कि टाटा SEV के सर्विस में मैंने आपको दिखाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। SEV के सर्विस रिगार्डिंग और कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।
जय भारत, वंदे मातरम।